भारतीय संस्कृति में पति की लंबी उम्र के लिए उनकी पत्नियों के द्वारा सदियों से रखे जाने वाले निर्जला करवा चौथ के व्रत को लेकर हल्द्वानी में भी महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। जहां एक ओर महिलाओं के द्वारा इस पावन व्रत के दिन महिलाओं ने इकट्ठा होकर व्रत की विधि विधान से पूजा पाठ किया, तो वहीं सभी पत्नियां चांद के दिखने के बाद अपने पति को देख व्रत खोलने का इंतजार करती दिखाई दी। मार पैर पाई ना स्वीट हमारा ना स्वीट पाई ना रुते ना मनाई ना बहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना ले कोई करवड़ा स्वर्ग स्वादन करवड़ा। बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने घर कुटुंब की खुश शांति। आज क्या विशेष पूजा आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं? सब महिलाएं इकट्ठा होती हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहता है? सुबह ही पहले सरगी लेते हैं 4 बजे के टाइम पे, फिर उसके बाद दिन में हम पूजा करते हैं जिसमें हम ये गौरजा माता की सुहाग देव के सामग्री चढ़ाते हैं जी। और अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। मंदिर की साफ सफाई ना स्नान करके, मंदिर की साफ सफाई करके, पूजा की सारी सामग्री लेके हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत की आरंभ इस व्रत को आरंभ करते हैं जी। फिर अभी 4 बजे हमने गौरजा माता की पूजा शुरू करी, उनको ये सिंदूर और सुरमा चढ़ाया, दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हमने पूजा करी, उसके बाद हमने दिए का विसर्जन किया अपने पति की दीर्घायु। कितना महत्व मानती है पूजा का, क्योंकि आप भूखे रहते हैं, पानी का एक बूंद तक नहीं पीते हैं, किस तरह से कहेंगे भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये व्रत कितना महत्वपूर्ण माना जाए महिलाओं के लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मेरा पहला करवा चौथ है, इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मॉर्निंग में जो मम्मी ने सरगी दी थी 5 बजे बोली, उसके बाद 9 बजे गणेश जी की पूजा करके दिन भर फास्ट रखा। अभी 4 बजे कथा हुई जिसमें श्रृंगार गौरजा माता को उसका सुहाग का सामान दिया, अर्पित किया, उसके बाद दिया जला के उसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए। पति देव से क्या गिफ्ट मांगा है आज के दिन? अभी शादी हुई है ना, तो पति देव ने व्रत रखा नहीं रखा है? पति देव ने व्रत रखा नहीं रखा है आज आपके लिए? पत्नियों ने कहा कि करवा चौथ का व्रत वो पूरी श्रद्धा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पत्नियों ने साल में एक बार रखे जाने वाले इस व्रत को अति महत्वपूर्ण बताया और पूजा के दौरान अपने पति की लंबी उम्र की कामना की है। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो। लखनऊ में हिमालय इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बहुत सुना था, इसीलिए यहाँ मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और अब मैं फाइनल ईयर में हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आपका कॉलेज आपको इसी लेवल का कॉन्फिडेंस दे सकता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपने जूनियर से हमेशा कहती हूँ कि अगर हिमालय साथ है तो हो जाएगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इज ऑफरिंग बीटेक इन ऑल स्ट्रीम्स, और जब हिमालयन साथ है तो हो जाएगा।